हाय फ्रेंड, चलिए आज हम ये टेबल कवर का डिजाइन बनाने को बताएंगे। देखिए, ये हमने पूरा डबल क्रोशिया में बनाया है, दो कलर में हम बनाए हैं और लास्ट में हम ट्रिपल क्रोशिया से ये बनाए हैं। ये डिजाइन ऐसे देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप लोगों को ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा कि और भी डिजाइन लेके आए तो आप लोगों के पास मिले। देखिए, इसे बनाने के लिए हमने 4 नंबर क्रोशिया यूज किया है। देखिए, और 4 प्लाई के उलन से हम बनाए हैं। इसे बनाने में हमारा 100 ग्राम से ऊपर उलन लगा है, 75 ग्राम तक ये लग गया है मैरून कलर, और ये 25 ग्राम तक लगा है। तो ये डिजाइन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा पसंद आए तो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए अब हम इसे देखिए गाँठे लगा लेंगे। गाँठे लगाने के बाद से हम इसमें चेन करेंगे, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 हम पूरा 75 चेन कर लेंगे। इसमें हम 75 चेन कर लेंगे पूरा। तो हम पहले चेन कर लेते हैं। तो देखिए, हमने पूरा 75 यानी 75 पूरा ये बना लिया है। आप लोग अपने चौड़ाई के हिसाब से बना सकते हैं, कितना चौड़ा चाहिए ऐसे। तो अब यहाँ पर हम इसमें छोड़ेंगे चेन, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे फिर से फंदे लेके, यानी कि 3 छोड़ देंगे हम डबल क्रोशिया के लिए और एक पर ऐसे बनाएंगे। तो ऐसे देखिए, ऐसे 5 छोड़ के हम सीधे बना रहे हैं, यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया यहाँ छोड़े, इधर 2 छोटा, इधर ये ऐसे देखिए यहाँ पर यहीं पे और ऐसे बना लेंगे। 2 हुआ, 3 हुआ, 4। 4 डबल क्रोशिया हम यहाँ बना लिए। फंदे लेंगे हम, फिर इसमें 4 छोड़ेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4 फिर चौथा जगह पे यहाँ पे हम ऐसे फिर से बना लेंगे 4 डबल क्रोशे एक पास, 1, 2, 3, 1, 4 ऐसा। देखिए, फिर फंदे लेंगे, फिर इसमें 1, 2, 3, 4 4 जगह, चौथा जगह पे फिर से, यानी कि बीच में 3-3 छूटेगा, 3-3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथा जगह पे हम ऐसे बनाएंगे एक पास 4-4 डबल क्रोशिया, ऐसे 2, 3, 4 देखिए। तो ऐसे ही फिर से यहाँ पे 3 छोड़ेंगे या चौथे पे बनाएंगे, इसमें 1, 2, 3 छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे बना लेंगे 4 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही बनाना है तो हम पूरे पे बना ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे दिखा रहे हैं। तो देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा ये बना लिया है, पूरा स्टार्टिंग से पूरा देखिए, नहीं ये बना लिया है पूरा। अब यहाँ पर ये लास्ट में यहाँ पे फिर हम 1, 2, 3 चेन और बैक साइड घूम जाएंगे। बैक साइड घूम के फंदे लेंगे और ये जो एक से दूसरे जाने का बीच है, जो यहाँ पे बनाए हैं 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे मिडिल में है, जो ये मिडिल जगह है, यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पर ऐसे लेंगे और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 डबल क्रोशिया हुआ। फिर फंदे लेंगे, फिर एक से दूसरे जाने के बीच में फिर से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे
फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर एक दो तीन चार यहाँ पे। तो देखिए जो बीच बीच में है वहीं पे बन रहा है ये। फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे। तो पूरे के बीच में यहाँ से यहाँ तक हम बना ले रहे हैं ऐसा। देखिए हमने ये दूसरा लाइन ऐसे बना लिया पूरा यहाँ से, और इधर तक पूरे पूरे बना लिए हैं हम। अब यहाँ पर जो ये लास्ट में देखिए ये थ्री चेन किए हैं यहाँ पर। अब हमें ये फंदे लेके और ये थ्री चेन जो किए हैं इसमें हम एक डबल क्रोशिया उसी में सेम जगह पे ही ऐसे बना लेंगे। एक दो, देखिए हुआ ऐसे। अब यहाँ पर फिर एक दो तीन चेन, और फिर बैक साइड घूम जाएंगे दूसरी साइड, फंदे लेंगे। अब यहीं पे फिर सेम जगह पे ही हम यहाँ पर बना लेंगे और भी ऐसे, एक दो, एक ये चेन किए थे तीन और एक बना लेंगे यहाँ पे, तो चार यहाँ पर हो जाएगा। देखिए फोर यहाँ पर हो गया। फंदे लेंगे, फिर ये दूसरा एक से दूसरे जाने के बीच में यहाँ पर फिर बनाएंगे हम। तो यहाँ पर एक दो तीन चार ऐसे, देखिए फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ ऐसे ही सेम यही चीज़ें बनाएंगे। फिर यहाँ पर भी एक दो तीन एक चार, देखिए ऐसे ही फोर फोर बनाते जाना है पूरा, जो एक से दूसरे जाने के बीच में है ऐसे ही बनेगा। बस दोनों साइड आते जाते समय ही ये लास्ट में एक के सामने एक चेन कर लेना है, फिर बनाना है। तो अब यहाँ से फिर हम बना के इस साइड आ जा रहे हैं, फिर अगले साइड दिखा रहे हैं दूसरे साइड। तो देखिए तीसरा लाइन भी हमने बना लिया ये। अब ऐसे तीसरा लाइन बन गया। अब इधर साइड आए हैं तो यहाँ पर देखिए एक चेन है इधर, इधर ये बना है, यहाँ पर एक चेन किए हैं। फंदे लेंगे, इस चेन में अब हमें बनाना है, यहाँ पे हम फोर डबल क्रोशे बना लेंगे, एक दो तीन एक चार ऐसे, देखिए हो गया। अब उसके बाद फिर यहाँ पर एक दो तीन थ्री चेन करेंगे, ऐसे घूम जाएंगे, फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर ये छोड़ देंगे पूरा, और यहाँ पर फिर से बनाएंगे हम यहाँ पर एक दो तीन चार, देखिए फिर फंदे लेंगे और फिर यहाँ पर एक दो तीन चार ऐसे। तो ये चौथा लाइन चल रहा। तो अब चौथा लाइन पूरा हम कंप्लीट करते हैं बना के। देखिए इधर साइड ऐसे यहाँ पे चेन पड़ा, और इस साइड बनाए तो हम ऐसे बना लिए, इधर भी था तो ऐसे ही बनते जाएगा। अब हम अब ऐसे पहले ये चौथा लाइन कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर दूसरा कलर लगाएंगे। तो देखिए हमने चौथा लाइन ये कंप्लीट किया है पूरा बना के। अब जैसे इधर ये बनाए हैं वैसे ही इधर भी हम ये बनाए हैं। फंदे लेंगे और लास्ट में यहाँ पे ये जो लास्ट वाला है चेन इसमें हमें ऐसे जॉइंट कर लेना है यहाँ पे, और ऐसे बना लेंगे। देखिए तो फोर लाइन ये कंप्लीट हुआ है। अब चाहे तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं, या तो इसी में दूसरा कलर जॉइंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसी में जॉइंट करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जॉइंट करने के लिए फिर ऐसे, और या तो काट करना हो तो इसे आप ऐसे बांध लेंगे, या यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे ही दिखा रहे हैं, ये ऐसे घुमा के इसमें से ऐसे निकाल के ये बांध लेंगे, फिर ये बांध लेंगे ऐसे, और ये धागे को ऐसे खींच देंगे नीचे की तरफ। और उसके बाद से फिर से हम यहाँ पर ऐसे एक दो तीन थ्री चेन ऐसे घूम जाएंगे, और फिर फंदे लेंगे, फिर सेम जगह पे ही यहाँ पे जो बनाए हैं यहाँ से ऐसे यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, एक दो तीन, और ये एक चेन बनाया इसको भी इसी में काउंट कर लेंगे, तो फोर हो गया। अब फंदे लेंगे फिर ऐसे, तो टू लाइन फिर हम वाइट ऐसे ही बना लेंगे सेम टू सेम जैसा बनाए हैं ये सब। तीन एक चार,
फिर फंदे लेंगे, फिर दूसरे में। बनाने का तरीका सेम यही है, दोनों साइड ऐसे आते जाएंगे, बनाते जाएंगे। एक साइड ऐसे रहेगा इधर जैसे है, तो इसमें आएंगे तो इसमें फिर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, और उसके बाद ऊपर जाके फिर 3 चेन करके फिर दूसरे वाले में बनाएंगे। और इधर आएंगे तो इसमें ज्वाइंट कर लेंगे, ऐसे बनाएंगे। तो हम ऐसे ही बनाएंगे, तो हम दिखा दे रहे हैं। और अब ऐसे 2 लाइन ये वाइट बन जाएगा, उसके बाद फिर 4 या 5 लाइन का ये, तो हम और बना के रखे हैं, हम दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने ये बनाया हुआ है, तो 4 लाइन जैसे ये बनाए हैं मैरून कलर, 1 2 3 4, और उसके बाद 2 लाइन ये, फिर इसके बाद से हम 1 2 3 4 5 लाइन ये बनाए हैं, फिर 2 लाइन ये बनाए हैं, फिर 5 लाइन ये बनाए हैं, फिर 2 लाइन ये बनाए हैं, मिडिल में 2 लाइन ये बनाते गए, ये 5 5 लाइन बनाते गए। आज इधर ऐसे जैसे 4 लाइन बनाए हैं, वैसे ही लास्ट में 4 लाइन बनाना। तो अपने हिसाब से आपको कितना बड़ा चाहिए, चौड़ा चाहिए, स्क्वायर में बनाना हो तो जितना इधर से बनाए हैं उतने ही साइज इधर से भी ऐसे बना लेंगे तो स्क्वायर पूरा हो जाएगा। तो हम स्क्वायर में बनाए हैं पूरा, तो जितना इधर से बनाया है वैसे ही इधर पूरा पूरा स्क्वायर में हुआ है मेरा पूरा। ये 4 इधर और 4 इधर, लास्ट में जैसे स्टार्टिंग बनाना है वैसे लास्ट बनाना है। मिडिल में हम 5 5 लाइन का ये बनाया है, और ये 2 2 लाइन का ही वाइट में बनाते गए हैं। तो पूरा हमने बना लिया है यहाँ तक, और ये 4 लाइन इधर भी कम्प्लीट कर लिए हैं हम। 4 लाइन कम्प्लीट करके अब हम इसे यहाँ पर ये कट करके निकाल लेंगे यहाँ से। हम बता चुके हैं, आप लोग इसमें चाहे तो धागा को साइड से रख के बना सकते हैं या धागे को कट करके। तो हमने यहाँ पे धागा कट कट कर लिया है पूरा बना के, 5 लाइन बनाए हैं, फिर धागा कट किए हैं, फिर वाइट बनाए हैं, फिर 5 लाइन बना के फिर वाइट वाला भी धागा कट कर लिए हैं, फिर 5 लाइन बनाए हैं, फिर वाइट बना के धागा ऐसे कट करते गए हैं हर एक साइड। ऐसे ही बना लिए हैं हम। अब यहाँ पर ये हम कट करके निकाल ले रहे हैं, ऐसे ही कट करके निकालना है। तो हमने ऐसे कट करके निकाल लिया है, तो पूरा ऐसे हो गया है देखिए। अब इसके बाद हम इसमें वाइट कलर से बनाएंगे। तो ये अब चारों तरफ से इसका बनाने के लिए हम यहाँ से ऐसे लेंगे और यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो हम साइड से कोने से ही बना देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर 1 2 3 डबल फंदे लेंगे हम, त्रिबुल क्रोशिया से इधर बनाएंगे ऐसे, 2 1 3 तीन यहाँ बना के, और यहाँ पे 1 2 3 3 चेन या 2 चेन आप लोग कर सकते हैं। फिर सेम जगह पे ही हम बना ले रहे हैं यहाँ पे, 1 डबल फंदे ले लेके बना रहे हैं हम, 2 3 देखिए ऐसे ये हो गया। फिर फंदे लेंगे और ये बगल का जो है दूसरे साइड से ये यहाँ पे ये एक एक चेन का जो बना है इसमें बनाना है हमें। तो इसमें ऐसे डबल फंदे ले लेके ही बनाएंगे, ऐसे डबल फंदे लेंगे और फिर इसमें हम ऐसे 1 2 3 डबल फंदे, फिर से 1 2 3 फिर डबल फंदे, फिर 1 2 3 ऐसे 3 बना लिए। फिर तो यहाँ 3 बनाने के बाद से एक और बना लेंगे यहाँ पे 4 ऐसे। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, टाइट पड़े तो और भी बना सकते हैं इसमें। अब इधर हम 3 3 बनाए हैं, मिडिल में 3 चेन किए हैं, फिर डबल फंदे लेंगे और फिर इसमें हम 1 चेन का यहाँ पर है यहाँ पर बना लेंगे हम फिर से यही चीज़ें, 1 2 3 4 ऐसे, फिर डबल फंदे, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे, फिर डबल फंदे, फिर यहाँ पर ऐसे ही। अब चारों तरफ से हम बनाएंगे, 3 4 देखिए। तो ऐसे ही हम यहाँ से यहाँ तक पहले बना लेते हैं, फिर यहाँ पर सेम यही चीज़ बनेगा जो यहाँ पर बनाए हैं, वही चीज़ इधर कॉर्नर कॉर्नर पे ऐसे ही बनेगा।
तो पहले हम इधर से यहाँ से वहाँ तक बना के फिर दिखा दे रहे हैं। तो देखिए जैसे इस कॉर्नर पे बना रहे हैं वैसे ही इधर भी, अब बनाने के बाद से इस कॉर्नर पे भी बनाना है। तो ये फर्स्ट जो बना है यहाँ पर ही हम ऐसे बनाएंगे, डबल फंदे ले लेके बनाना है हमें त्रिबुल क्रोशिया। डबल फंदे लेंगे और इसमें हम एक दो तीन ऐसे तीन बना लिए, फिर एक दो तीन चेन, फिर डबल फंदे लेंगे, डबल फंदे लेके फिर से यहाँ पर ऐसे एक दो तीन ऐसे, फिर इधर डबल फंदे लेंगे, फिर ये चेन चेन है मिडिल में जो, इसमें हमें बनाना है एक दो तीन चार ऐसे, ये कॉर्नर पे ऐसे हो गया। अब उसके बाद फिर फोर फोर चेन का ही फोर फोर डबल त्रिबुल क्रोशिया बनेगा ऐसे, डबल फंदे ले लेके और जो चेन है इसमें ऐसे बना लेंगे। तो इसमें फोर फोर पूरे बनाएंगे, फिर ये कॉर्नर पे आएंगे। तो जैसे ये बनाए हैं सेम वही चीज़ें इधर भी बन जाएगा कॉर्नर पे, फिर इस कॉर्नर पे भी बन जाएगा, और जैसे इधर बन रहा है यही चीज़ें सेम इस साइड भी बन जाएगा। तो हम पूरा बना के कंप्लीट करते हैं फिर दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने ये चारों तरफ से बना कंप्लीट कर लिया है। ये डिज़ाइन आप लोग कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा कि और भी डिज़ाइन लेके आए तो आप लोग के पास मिले। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।